जय हिंद दोस्तों। आज 2 जनवरी सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे रेल रोको आंदोलन अब देशव्यापी होगा, सैनिकों ने बड़ा प्लान बनाया है, इस पर बात करेंगे। वन नेशन वन पेंशन काबिले तारीफ फैसला है ये सरकार का कि वन नेशन वन पेंशन होगी। डीए 50% बेसिक में मर्ज, 2400 का फायदा हर महीने मिलेगा, इस पर बड़ी अपडेट है। आर्मी में सहायक प्रथा पर अग्निवीरों की दो टूक, क्या हमें परमानेंट किया जाएगा। बिहार में पूर्व सैनिकों को मिलेगा 10% आरक्षण, नेताओं की जबरदस्त पहल। सिपाही 2023 रिटायर की पेंशन 23,230 निर्धारित हुई है, इसका फायदा सीधा सीधा ORP 3 में मिलेगा, इस पर बात करेंगे। एक्स सर्विसमैन की नई वैकेंसी निकली हुई है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले पहली खबर से बात करते हैं, रेल रोको आंदोलन स्थगित कर दिया था और क्यों स्थगित किया था बता दें। वहां पर पुलिस बल ने जगह जगह पर जाकर जो पूर्व सैनिक लीडर थे उनको हिरासत में ले लिया था, इसके बाद ये फैसला बंद किया गया। बता दें अभी तक ये साबका सैनिक अकेले इसको आंदोलन को कर रही थी, लेकिन अभी देशव्यापी आंदोलन होगा, सभी पूर्व सैनिक सभी संगठन इसका आंदोलन करेंगे, इसका जल्द ही प्लान निर्धारित होगा। बता दें कि बड़ी खबर आई है पंजाब में, पंजाब की खबर है, वन एक देश एक पेंशन पंजाब सरकार का जबरदस्त फैसला है। अब पंजाब में एक पेंशन ही मिला करेगी, 5 बार जीतने वाले विधायक को करीब 2.5 लाख रुपए पेंशन दी जाती थी, लेकिन अब पेंशन एक ही मिलेगी, चाहे आप विधायक की ले लें चाहे सांसदी की ले लें। पहले ऐसा नहीं होता था, अगर 5 बार विधायक बन गए तो 5 बार की पेंशन मिलती थी, लेकिन अब इसमें नियमों में बदलाव किया गया है। पंजाब ने आप देख सकते हैं, पंजाब सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। अब सरकारों के जितने भी नेता होंगे पंजाब में वो केवल एक ही पेंशन लेंगे, अपनी जो 5-5 पेंशन लेते थे वो पेंशन बंद हो जाएंगी, सिर्फ एक पेंशन मिलेगी, यानी कि वन नेशन वन पेंशन पंजाब में किया गया। क्या सभी देश में सभी जगह किया जाएगा, क्योंकि पंजाब में अब आम आदमी पार्टी की सरकार है और बहुत ही सुर्खियों में बनी रहती है आम आदमी पार्टी पंजाब में, खासकर भगवंत मान जी बड़ा फैसला लेने में माहिर है। और एक और फैसला आप देख सकते हैं जो कोई सरकार नहीं कर पाई वो भगवंत मान ने किया है। बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर से, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फौजी सहायकों से घरेलू काम करने की प्रथा जारी रहेगी। बता दें एक सुनवाई की गई थी, एक पिट डाली गई थी जिसमें कि यह कहा गया था कि जो सेना में सहायक सिस्टम चल रहा है, घरेलू काम कराने का जो सिस्टम चल रहा है, इसको बंद करने के लिए कोर्ट में सुनवाई से ही मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और अब इसमें बात आ रही है कि अग्निवीर इसे बंद कराएंगे, कैसे कराएंगे। जनरल प्रकाश मेनन ने एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि 3 जजों की बेंच ने 31 अक्टूबर को उस लोकहित याचिका को दर्ज करने से ही मना कर दिया जिसमें यह मांग की गई थी कि सेना में सहायक सिस्टम को खत्म किया जाना चाहिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया, क्योंकि सहायक सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो कि वर्दीधारियों को घरेलू नौकर के काम करने पड़ते हैं, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से ही मना कर दिया। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि अग्निवीरों के कई ऐसे केस आए हैं जिसमें अग्निवीरों से कहा गया कि आप सहायक चले जाएं, तो अग्निवीरों ने सीधा मना कर दिया कि हमें परमानेंट होना है, अगर हम सहायक चले जाएंगे तो हम फौज के काम सीखेंगे नहीं, तो हम परमानेंट कैसे हो पाएंगे। तो अग्निवीरों ने साफ मना कर दिया, अगर हमें परमानेंट करें तो मैं सहायक जाने के लिए तैयार हूं, नहीं तो हमारा पूरा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, मैं परमानेंट नहीं हो पाऊंगा, हम पीछे हो जाएंगे अगर सहायक चले गए। तो अग्निवीर अब इस प्रथा को रोकेंगे। जनरल प्रकाश मेनन ने जो ये बात कही है उनकी जो बात है बिल्कुल जायज है कि अगर अग्निवीर सहायक चले जाएंगे तो फिर वो बाकी मामलों में पीछे हो जाएंगे और वो परमानेंट नहीं हो पाएंगे, 4 साल में सेना से उनको जाना पड़ेगा क्योंकि वो सेना के सभी काम सीख नहीं पाएंगे। तो अग्निवीरों का साफ कहना है कि हमें परमानेंट करो तभी हम जाएंगे सहायक में, नहीं तो हम फौज के बाकी काम सीखेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, जिससे कि हमें परमानेंट होने में सहूलियत होगी। दूसरी बड़ी अपडेट यह है कि जो सेना में अग्निवीर जो सहायक सिस्टम है इस पर जो प्रश्न पूछा गया था उसमें भी सरकार ने कहा इसको कहीं बंद करने नहीं जा रहे हैं,
ये अग्निवीर जो जो पर सहायक सिस्टम है ये परमानेंट चलता रहेगा। बात कर लेते हैं, बता दें सहायक सिस्टम अफसरों के कुत्ते टहलाने जैसे कई काम ऐसे देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से जो अग्निवीर हैं या सैनिक हैं उन्होंने बिल्कुल साफ वो कहते हैं कि हमें सहायकी में नहीं जाना है, लेकिन जबरदस्ती प्रेशर में डाल के ऐसे काम करने होते हैं। बात कर लेते हैं एक और बड़ी अपडेट से, अगर अब सिपाही 2023 में जो दिसंबर में रिटायर हो रहे हैं उनकी जो पेंशन है 23,500 के आसपास निर्धारित हो रही जो रिटायर होके आ रहे हैं, अब इसका फायदा ओआरओपी 2 में मिलेगा। आप देख सकते हैं जो 2013 में रिटायर हुए हैं इनकी जो सिपाही 17 साल सर्विस करके रिटायर हुए हैं इनकी जो पेंशन है आप देख सकते हैं इसमें काफी कमी पेंशन में है, इनकी पेंशन है लगभग 21,782। अगर देखा जाए कि 2023 जो ओआरओपी 3 लागू होगा वो 2023 से लागू होगा, 2023 से जब ओआरओपी लागू होगा तो जो नए रिटायर आए हुए हैं 23,500 में उनके बराबर ओआरओपी 3 में ये पेंशन की जाएगी। तो 21,782 रुपए है जिसकी, वो सीधा सीधा 23,500 होगी। तो आप देख सकते हैं बेसिक में काफी अच्छी बढ़ोतरी होगी ओआरओपी 3 में। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ओआरओपी 2 की तरह ही ओआरओपी 3 होगी, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज दिया जाएगा, ना कि जो लास्ट ड्रॉन पेंशन है जो लास्ट विड्रॉल हुई है पेंशन उस आधार पर नहीं निर्धारित की जाएगी। तो आगे देखते हैं 2024 में क्या होता है, लेकिन जो 2023 में रिटायर हुए हैं उस आधार पर पेंशन अगर बनेगी तो 23,500 सभी सिपाही जो 17 साल सर्विस करके आए हैं उनकी पेंशन निर्धारित होगी। एक और बड़ी अपडेट है, बता दें कि कई आरटीआई डाली गई जिसमें सेना में सहायक सिस्टम, कई तरह की विसंगतियां हैं, एमएसपी पर विसंगतियां हैं, कई तरह की विसंगतियों पर आरटीआई डाले गए और सरकार ने जो आरटीआई के जवाब दिए वो तो जवाब सार्वजनिक हो ही चुके हैं, लेकिन ये जो आरटीआई डाली गई और भी कई मामलों में आरटीआई डाली गई, आप देख सकते हैं कई आरटीआई ये डाली गई थी जो 12 अक्टूबर है पिछली वो आरटीआई है, ये बिहार के ही एक सर्विसमैन है उन्होंने डाली थी और ये उड़ीसा के एक सर्विसमैन है उन्होंने डाली थी। अब एक उड़ीसा के एक सर्विसमैन है जिन्होंने कहा है कि सेना में अगर इन विसंगतियों को दूर नहीं किया गया तो सेना में बगावत हो सकती है, 1857 जैसा विद्रोह ना हो इसलिए हमें मृत्यु दंड दिया जाए। मृत्यु दंड की मांग कर रहे हैं ये पूर्व सैनिक, क्योंकि सेना में इतनी विसंगतियां हैं, एमएनएस को जो लाभ दिया जाता है वो भी लाभ सैनिकों को नहीं दिया जाता है जो सबसे ज्यादा रिस्क है, उन्होंने कहा ये ऐसा विद्रोह ना हो जाए इसलिए हमें मृत्यु दंड दिया जाए। तो आप देख सकते हैं ये लेख लिखा है, पूरा लेटर लिखा है, ये लेटर काफी दिनों से वायरल हो रहा है और कई अफसर भी इसको कह रहे हैं कि जो जवान कह रहा है कि उसकी बिल्कुल जायज मांग है कि जो विसंगतियां हैं इसको दूर करना चाहिए, नहीं तो सेना में जो विद्रोह है वो 1857 जैसा ना हो जाए। बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर से, पूर्व सैनिकों का बिहार में और कई और 3-4 राज्य हैं जिसमें कि रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन अब मांग की गई है रिजर्वेशन की एक्स सर्विसमैन के बिहार में कोटा बढ़ाने की, क्योंकि कोटा बिहार में एक्स सर्विसमैन का 0 है और ये लेटर लिखा गया है, आप देख सकते हैं सौर एकेडमी की तरफ से लेटर लिखा गया था गवर्नमेंट ऑफ बिहार को। इसके बाद अब नेता ने विधायक ने भी लेटर लिखा है और विधायक ने मांग की है कि पूर्व सैनिकों का जो ये लेटर है इस पर पूरी गंभीरता से विचार करना चाहिए, बिहार सरकार अगर चाहती है कि पूर्व सैनिक के बात करती है तो उनको आरक्षण 10% मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं 10% प्रिविलेज आरक्षण के लाभ देने की बात कही गई है, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर 5% से लेके 15% 20% तक आरक्षण है, जैसे कि पंजाब में 20% तक आरक्षण है, वहीं राजस्थान में 15% आरक्षण है, यूपी में 5% आरक्षण है, तो इस तरह से हर राज्य में आरक्षण है। लेकिन 3-4 राज्य ऐसे हैं जिसमें बिहार भी शामिल है उसमें पूर्व सैनिकों को कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती है, कोई सुविधा सरकार के द्वारा नहीं दी जाती है, तो ये लेटर लिखा गया है। अब मांग उठ रही है कि पूर्व सैनिकों का बिहार में भी आरक्षण होना चाहिए, तो बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर है, डीए अगर हमारा मर्ज हो जाता है बेसिक में तो क्या हमें उसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ने कमेंट किया है कि भाई मुझे तो कोई प्रॉफिट नहीं समझ में आ रहा है, एक बात बताओ जब डीए 50% होने के बाद इसको मर्ज कर दिया जाएगा बेसिक में तो इससे फायदा क्या होगा, फिर हमारा डीए तो 0 हो जाएगा तो हमारी बेसिक में
बेसिक बढ़ जाएगी लेकिन जीरो डीए हो जाएगा, तो हमें तो उतना ही पेंशन मिलेगी जितना मिल रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डीए अगर 50% मर्ज होने के बाद आपकी बेसिक में बढ़ोतरी हो जाएगी, तो इससे फायदा क्या होगा आप इसमें एक टेबल से देखेंगे, बता दें 50% जब डीए हो जाएगा, अगर 20,000 कोई बेसिक ले रहा है 20,000, उसका 50% डीए 10,000 बनता है। इसको अगर मर्ज कर दें तो 30,000 बेसिक हो जाती है, लेकिन अगर मर्ज भी ना करें तब भी उसको पेंशन 30,000 मिलती है, क्योंकि 20,000 बेसिक प्लस 10,000 डीए, तो उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन फायदा कहां पर होगा मैं आपको एक टेबल के माध्यम से बताता हूं। आप देख सकते हैं कि बेसिक 20,000 है, उसमें डीए 10,000, तो अब बेसिक अगर इसको मर्ज कर दिया जाएगा तो 30,000 बेसिक हो जाएगी। इस आधार पर आप देख सकते हैं कि 1200 रुपए की बढ़ोतरी होगी। अब आप इस टेबल से समझें कि 1200 कैसे होगी, जिसकी बेसिक 20,000 है, 20,000 बेसिक है, 10,000 उसमें डीए जोड़ दें तो 30,000 बेसिक हो जाएगा। उस महीने तो आपको फायदा नहीं होगा, लेकिन अगले बार जब डीए आपका बढ़ेगा, मान लो 4% जो बढ़ रहा है इस हिसाब से डीए बढ़ेगा, तो आपको 1200 रुपए डीए लगेगा। लेकिन अगर ये मर्ज नहीं किया जाएगा तो केवल 800% ही डीए बढ़ेगा, और मर्ज कर दिया जाता है तो 1200 रुपए बढ़ेगा, यानी कि सीधा सीधा 400 रुपए एक 6 महीने में जो डीए बढ़ता है हर 6 महीने में, उसका फायदा आपको छमाही मिलेगा। यानी साल का देख ले तो 800 रुपए जो 20,000 बेसिक ले रहे हैं उनको मिलेगा। अगर जो ज्यादा बेसिक ले रहे हैं, जैसे जो बेसिक 60,000 ले रहे हैं, तो उनको 3600 रुपए का हर महीने फायदा होगा। तो इस हिसाब से डीए में अगर मर्ज हो जाता है तो हमें 2400 जो फायदा हो रहा था वो सीधा सीधा 3600 होने लगेगा। तो साल का अगर देखें, दो बार डीए बढ़ता है तो ये 3600 का डबल हो जाएगा, तो काफी बड़ा बढ़ोतरी होगी जब मर्ज हो जाएगा। अगर मर्ज नहीं होगा तो हमें केवल उसी 20,000 में ही हमें डीए बढ़ता रहेगा, तो 20,000 में जो डीए बढ़ेगा 800 रुपए बढ़ता है, अगर वही 30,000 में बढ़ेगा तो 1200 रुपए में बढ़ेगा। तो ये फर्क पड़ेगा जब डीए बढ़ जाएगा। लेकिन उसके साथ में हमारे कई अलाउंस जैसे एचआरए सीए टीपीटीएल बढ़ जाएंगे। ये 7th पे कमीशन में रिकमेंडेशन की गई थी कि डीए जैसे ही 50% हो जाता है तो हमारा डीए बेसिक में मर्ज किया जाएगा, लेकिन बेसिक में पूरा 50% नहीं किया जाएगा, 25% मर्ज किया जाएगा, और 25% के ऊपर आपको डीए मिलता है आगे फिर बढ़ेगा। तो ये रिकमेंडेशन की गई थी, 50% की रिकमेंडेशन नहीं, सिर्फ 25% की गई थी, और इसमें सारे अलाउंस भी बढ़ने की बात कही गई थी। तो डीए मर्ज होने से और भी कई फायदे मिलेंगे। बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर से, जॉब से लेटेस्ट अपडेट है। यूपी में कंप्यूटर ऑपरेटर पुलिस में भर्ती निकली हुई है, इसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। 930 वैकेंसियां हैं, कई भर्तियां यूपी में एसआई एएसआई की निकल चुकी हैं, कांस्टेबल यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी निकल चुकी 60,000, और ये तीसरी भर्ती 930 भर्ती और निकली हुई कंप्यूटर ऑपरेटर की। 12th पास प्लस ओ लेवल का डिप्लोमा इसमें चाहिए, इसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, जिसने नहीं देखा जरूर देख लें। ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।